29 जुलाई 2024 सावन के दूसरे सोमवार के दिन चुपचाप शिवलिंग से उठा लेना यह एक चीज। शिव पुराण के अनुसार भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी एक दिन के इस उपाय से आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूरी, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्त, सावन का पवित्र महीना हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत ही विशेष और खास महत्व रखता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के पवित्र महीने के पहले दिन भगवान विष्णु जी निद्रा अवस्था में चले जाते हैं और पूरे धरती का कार्यभार भगवान भोलेनाथ के हाथों में आ जाता है। इसलिए वेद पुराणों में यह कहा गया है कि सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाते हैं। इस दौरान जो भी व्यक्ति उनकी विधि विधान से पूजा पाठ करता है भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं। और कई वेद ग्रंथों में यह वर्णित है कि सावन के पवित्र महीने के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ धरती पर वास करने के लिए आते हैं। इसलिए दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सावन महीने के सोमवार का व्रत लाखों में नहीं करोड़ों की संख्या में लोग रखते हैं। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जब से यह धरती बनी है तब से भगवान भोलेनाथ की पूजा होते चली आ रही है और जब तक यह दुनिया रहेगी तब तक भगवान भोलेनाथ की महिमा गाती रहेगी। अगर भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं तो उस व्यक्ति का साक्षात्काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए अगर आप सावन के महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखते हैं तो हमारे वेद पुराणों में यह बताया गया है कि इससे आपको अपने पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाएगी, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आज का समय एक ऐसा समय है जिसमें लोगों के पास समय बहुत ही कम है। चाहते हुए भी कई लोग भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत नहीं रख सकते हैं क्योंकि उनकी खुद की परिस्थितियां ऐसी है, खुद की ऐसी परेशानियां हैं जिसके चलते वह पूरे दिन का सावन के महीने में व्रत नहीं रख सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सावन के सोमवार के दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, पूरे दिन का विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार सिर्फ 2-4 मिनट का समय निकाल करके सही मोड पर शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठाकर ले आते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप सबको देने वाली हूँ, तो दोस्तों इतना उपाय करने मात्र से आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुलते चले जाएंगे, आपको आपकी बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नौग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, अगर महादेव ने किसी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे दिया फिर उस व्यक्ति को उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ सफलता ही देखने को मिलती है, उस व्यक्ति के जीवन में उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। शिव पुराण के अनुसार कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है शिव पुराण में, जो अगर सावन के महीने में किसी भी सोमवार के दिन आप चुपचाप सही तरीके से उठा लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं तो दोस्तों इतना उपाय करने से आप ही नहीं आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक सिर्फ अपने नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के भलाई के लिए देखिएगा। और जितनी भी चीजों को हम आपको बताने जा रहे हैं यह सारी जानकारी आप चाहे तो शिव पुराण के अनुसार मैं बताने जा रही हूँ, इसको किसी चीज पर आप लिख कर रख सकते हैं जिससे कि आप भूले ना। दोस्तों, आपको इस सोमवार के दिन किसी मुहूर्त पर उठना है और घर में किस दिशा में स्थापित करनी है उसकी सारी जानकारी कहीं पर लिख लीजिए, ताकि इस सोमवार के दिन आप यह छोटा सा उपाय करके साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। और अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं, आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा, ताकि आपके राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय मिलता है जिसे करके आप विशेष लाभ पा सके वो मैं आपको कमेंट के रिप्लाई के माध्यम से बता दूंगी। इसलिए अपनी राशि डालने के बाद ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिख। दोस्तों, मान लीजिए पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, आपके जीवन में अब धन आना बंद हो गया है, पहले आपका व्यापार अच्छे से चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है, आप धन संबंधित परेशानियों में फंसे हुए हैं, तो समझ चाहिए दोस्तों आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है या किसी की ऐसी नजर हाय बद्दुआएं लग गई है जिसकी वजह से आप आर्थिक कष्ट का सामना कर रहे हैं, आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको करना यह है कि सावन के महीने के किसी भी सोमवार के दिन सुबह के वक्त आपको एक सफेद कपड़ा लेना है, सफेद कपड़े पर आपको एक मुट्ठी चावल डालना है और सफेद कपड़े की पोटली बना लेनी है।
आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है और उसमें दो चार बूंद आपको गंगा जल मिला लेना है। गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। ध्यान रखना है कि उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करके जल अर्पित करना है, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का वास होता है। एक लोटा जल अर्पित करने के बाद अब यह जो आपने एक मुट्ठी चावल सफेद कपड़े में रखकर लेकर गए हैं, इस सफेद कपड़े की पोटली को आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और इस पोटली को लेकर के अपने घर आ जाना है। और अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में, जहां पर भी रुपए पैसे रखते हैं वहां पर, अगर आप चाहे तो व्यापारी है तो व्यापार के स्थान पर जहां पर आप पैसे रखते हैं, लेन देन करते हैं पैसों के गले में, वहां पर आप इसे रख सकते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने सावन के महीने के किसी भी सोमवार के दिन कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, जो चावल होता है इसको हमारे हिंदू धर्म में अक्षत बोला जाता है। अक्षत जब भी भगवान भोलेनाथ की पूजा में इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। और अगर आपने चावल का यह उपाय कर लिया जो आपको अभी हमने बताया है, तो यह चावल भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगा, जिसके बाद आप अपने जीवन में धन संबंधी जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको सिर्फ और सिर्फ फायदा ही पहुंचेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुलते चले जाएंगे। इस उपाय को करने के बाद महादेव जी की कृपा से आपको अपने जीवन में आने वाले समय में किसी भी प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय से बीमार चल रहा है, इसका इलाज करा करा करके आप थक चुके हैं लेकिन उससे कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो बस ये काम कर लीजिए। सावन के महीने के किसी भी सोमवार के दिन आपको एक शुद्ध लोटा जल लेना है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। पूरा एक लोटा जल आप शिवलिंग पर डाल दें। उसके बाद शिवलिंग पर जो जल गिर रहा है ऊपर से, जिनको हमारे हिंदू धर्म में जलाधारी बोलते हैं, वह गिरता हुआ जल आपको अपने लोटे के जल में मिला लेना है। अब आपको अपने घर आ जाना है। इस एक लोटे जल को अपने घर के मंदिर में रख देना है। अब इस उपाय को करने के बाद प्रत्येक सोमवार को आपको अच्छी तरीके से नहाना है और इस एक लोटा जल से थोड़ा सा दो चार बूंद उस बीमार व्यक्ति पर आपको डालना है जो व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार चल रहा है। यह उपाय आप प्रत्येक सोमवार को कीजिए और आप खुद देखेंगे उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आने लग जाएगा, वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक होने लग जाए। शिव पुराण में यह लिखा हुआ है कि सावन के सोमवार में शिवलिंग से गिरते हुए जल का छिड़काव अगर बीमार व्यक्ति पर किया जाए तो वह व्यक्ति भगवान शिव की शरण में आ जाता है और वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। इस बात को आप अंधविश्वास बिल्कुल भी मत समझिए। दोस्तों, इस उपाय को कई लोग करके अपनी बीमारी से मुक्ति पा चुके हैं। इस उपाय को आप लोग भी कीजिए। दोस्तों, अगर आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है और आप इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो बस एक काम कीजिएगा। इस सावन के महीने के किसी भी सोमवार के दिन आपको किसी भी पूजा घर से एक छोटा सा मोर पंख ले लेना है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, मोर पंख टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अच्छा सा मोर पंख आपको किसी भी पूजा घर से बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। सावन के महीने के किसी भी सोमवार के दिन आपको एक लोटा जल ले लेना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। यह जो मोर पंख आप लाए हैं इसको आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और इस मोर पंख को आपको लेकर के अपने घर आ जाना है और अपने कमरे के किसी भी किताब में दबा करके अपने कमरे में रख देना है, जिस कमरे में आप अपने सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आप सावन के महीने के किसी भी सोमवार के दिन कर लीजिए, यकीन मानिए दोस्तों, आपका दुर्भाग्य आपके भाग्य में बदल जाएगा। आपके नौग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। अब जिस कार्य को भी आप शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको देवों के देव महादेव का आशीर्वाद जो मिल जाएगा।